क्वेश्चन बिल्कुल नया। अगर फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू पी एक्स है एंड दैट इज 14 और दूसरी वैल्यू क्यू एक्स है और वो है जी आपकी 21। मैं चाह रहा हूं कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैलकुलेट हो जाएं। अगर एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने का तरीकाकार मैं ये करता हूं कि 14 और 21 को ऐसे लिखें जैसे एलसीएम लेते हैं, लेकिन डिवाइड अगर तब तक करें जब तक ये दोनों डिवाइड होते चले जाएं। मिसाल के तौर पर 7 2 7 3 4 7 2 और 7 3। अच्छा, फर्दर अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 को इकट्ठा डिवाइड कर सके, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इस साइड के जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो एचसीएफ होता है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? 7। अब अगर एंड तक 1 1 लाने के लिए कोशिश आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं 2 से करता हूँ, 2 1 0, इधर 3 आ गया, फिर 3 से 1 1, तो अब इनको मल्टीप्लाई करें। हाँ, 7 2 0 14 3 0, तो ये हमारा एलसीएम भी इसी तरीके से आ जाता है। एलसीएम इज इक्वल टू 42। अब आप मजे की बात इसमें देखने वाली है कि जो आंसर पी एक्स और क्यू एक्स का होता है, फॉर एग्जाम्पल 14 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आता है 294। और अगर पी एक्स और क्यू एक्स के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो देखें 7 मल्टीप्लाइड बाय 42 विच इज इक्वल टू 294। इट मींस कि इससे ही वो फार्मूला बनता है कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स, यानी दो पॉलीनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आता है वो सेम प्रोडक्ट इस पी एक्स और क्यू एक्स के एलसीएम और एचसीएफ को करने से आता है। अगर आपके रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम और पी एक्स इनटू क्यू एक्स, ये वैल्यू लिखी। और एलसीएम अगर आपने फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि पी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एक्स से ऊपर और डिवाइडेड बाय एचसीएफ कर देंगे। अब अगर पी एक्स वैल्यू हम लिखते हैं 14 और क्यू एक्स है 21 और एचसीएफ है 7, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे 14 डिवाइडेड बाय 7 कर लो, आपका कैंसिल करके 2 आंसर आता है, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो तब भी 42 ही आएगा। और अगर कोई बच्चा बेटा 21 डिवाइडेड बाय 7 कर लेता है तो उसका आंसर 3 आता है, तो 3 को वो 14 से करेगा तब भी आंसर 42 ही आएगा। यानी ये हमारा जो है ना इस तरीके से ये इसका बेसिक नॉलेज है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को जो है करते हैं जो आपका हवाला है, अब आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो इस वक्त पी एक्स है, पी एक्स आपके सामने ये लिखी हुई फर्स्ट वैल्यू दैट इज x4 + 3x³ + 5x² + 26x + 56, ये हो गया। और क्यू एक्स जो वैल्यू आपके सामने है वो है x4 + 2x³ - 4x² - x और +28, ये दो वैल्यूज आ गई। और उसके साथ इसका एचसीएफ दे दिया
ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 आ गया, और हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हम लगाते हैं जी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी एक्स। इंटू क्यू एक्स। और आपके एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए पी एक्स इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एच सी एफ। अब वैल्यू लिखवानी शुरू करें, एक्स फोर प्लस 3x³ 5x² प्लस 26x प्लस 56। एक्स फोर 2x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 28 डिवाइडेड बाय एच सी एफ x² प्लस 5x प्लस 7। ये बात बिल्कुल जेन में रखिएगा कि ये फर्स्ट वैल्यू भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय ये x² प्लस 5x प्लस 7 है, और सेकंड वैल्यू भी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x² प्लस 5x प्लस 7 मस्ट है, रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन चूंकि अक्सरियत लोग जो है ना इसको डिवाइड करेंगे पहली वैल्यू को, लिहाजा ये ऊपर वाली वैल्यू अंदर रख लें। ये आगे जी x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 26x प्लस 56 और डिवाइडेड बाय ये नीचे जो x² प्लस 5x और प्लस 7। हम सबसे पहले तो x² का टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि x² को x² से करें तो x4 हो जाता है, ये जरूरी था। फिर 5x को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x³। फिर 7 को भी इसी से करेंगे तो आ गया 7x² अब इसके साइन चेंज करें, माइनस 2x² 26x प्लस 56। अब x² जो पहली वैल्यू है वो स्टार्टिंग में है, ये जिसको टेक किए हैं। अब इसका टेबल पढ़ते हैं, हमारी कोशिश है ये जो फर्स्ट वैल्यू है मैं इसका जरा, अब हमने x² का टेबल पढ़ना है, और पढ़ना ऐसे है कि सेम साइन और सेम वैल्यू आए, तो लिहाजा माइनस से भी करना पड़ेगा और 2 से भी और x से भी। तो जब x² को अब आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस 2x³। फिर 5x को करेंगे उसके साथ माइनस 2x के साथ तो आ जाएगा माइनस 10x². फिर 7 को उससे करेंगे तो माइनस 14x, और ये हमारे पास ये आ गया जी, ये प्लस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद ये हमारी पहली वैल्यू आ गई 8x² और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 40x प्लस 56। अब फिर मैं कलर चेंज करता हूं, तो कलर चेंज करके जरा ये बताना थोड़ा सा कि डिफरेंट थोड़ा सा। अब हमने वंस अगेन x² का टेबल पढ़ना है, ये जो वाइट है, और लाना क्या है, फर्स्ट वैल्यू x² तो जाहिर बात है x² को किससे करेंगे, जस्ट 8 से करेंगे, आ गया 8x². फिर दूसरे वाले 5x को करेंगे उसके साथ तो आ गया 40x, और फिर तीसरा 7 है तो उसको करेंगे तो ये आ गया 56।
माइनस माइनस और माइनस कैंसल्ड। अब हम पहली दो वैल्यूज ये जो है इनका जो डिवाइड करके आंसर आया हुआ है इनको तो लिखे ना एक ब्रैकेट के अंदर और वो ऊपर आया हुआ आंसर एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस एट इंटू एक्स फोर टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 28। आमतौर पे बच्चे इधर तक ही बुक के भी आंसर यही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी ये बहुत लेंथी हो जाएगा। एक्चुअल आंसर मैच उधर करते हैं। अगर एक बच्चा ये दूसरी वैल्यू को बेटा इस डिवाइड कर लेता है तो उसका आंसर और आपका डिफरेंट होगा। और मैच जाके होता है तब जब ये नीचे वाली दो जो पॉलिनोमियल्स आपकी बनी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एक जैसा आंसर लाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग पहले फर्स्ट ही आम करते हैं डिवाइड और इतना सारा छोड़ के आंसर ले आते हैं। आप देखें अगर तो यही आंसर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द ब्रैकेट्स एंड गेट द फाइनल आंसर।